हाय एवरीवन, आज डे नंबर 313 एंड 14 दोनों का मैसेज एक साथ दे रही हूँ क्योंकि दोनों का सेम ही मैसेज है। मैसेज ये है कि थैंक गॉड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम दूसरों की लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी कभी हमें लगता है ना कि वो पर्सन मैसेज कर दे, ये पर्सन मेरे साथ ऐसे बिहेव करे, वो लोग ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, बट थैंक गॉड इट डजंट वर्क लाइक दैट कम्प्लीटली। बिकॉज इसका अगर ये ऐसे काम करता, इसका मतलब ये होता कि हमारी भी लाइफ कोई और इजीली मैनिफेस्ट करके मैनिपुलेट कर सकता, कंट्रोल कर सकता। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम वर्किंग समवेयर और कोई पर्सन है जो नहीं चाहता मैं वहाँ पे काम करूँ फॉर एनी रीज़न, ठीक है, तो वो अगर पर्सन मैनिफेस्ट करेगा कि ईमन का जॉब ही चला जाए, ये यहाँ से गायब हो जाए, और पता चला कि अगले दिन आई एम फायर्ड, ऐसा होता तो मैं कितना हेल्पलेस फील करती कि मेरे हाथ में कुछ, मेरी लाइफ है ही नहीं, मेरी सिचुएशन है ही नहीं। किसी और ने चाहा मैं फायर हो गई, किसी और ने चाहा मैं हायर हो गई। सो लाइफ कैन नॉट वर्क लाइक दैट, राइट? इसीलिए कमेंट्स में भी कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हम क्या दूसरों की लाइफ चेंज कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। नहीं, जितना तक मैं समझ गई हूँ ना अभी तक, मुझे तो लगता है कि नहीं, हम नहीं कर सकते। बट आई एम नॉट एनी एक्सपर्ट, आई एम नॉट एनी कोच, ना मैंने कोई ट्रेनिंग ली है। जितना मैं समझती हूँ ये खुद के पढ़ने से और खुद के एक्सपीरियंस से समझती हूँ। सो आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल है, क्योंकि सबका एक लाइफ का डिज़ाइन होता है जो आत्मा डिज़ाइन करके आती है, यू नो, अपना लाइफ सब कुछ कैसा होगा, कैसे जिएंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स आएंगे, जैसे शादी, बच्चा, मरना, जीना, मतलब लाइफस्टाइल, गरीबी, ये वो सब कुछ डिसाइडेड होता है। बट हमें एक चॉइस मिलती है कि हम पॉजिटिव एनर्जी से मैनिफेस्ट करके अपने लाइफ को और भी बेटर बना सकते हैं। जैसे हम कोई गेम्स खेलते हैं, उसमें हिडन पॉइंट्स होते हैं कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर उधर जाकर उस पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं मेन गेम के अलावा भी, राइट? उसी तरीके से मैनिफेस्टेशन, ये सब कुछ ऐसा है कि देखो, इतनी सारी अच्छी चीज़ें हिडन हैं, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरह गेज करते हो उसको। अगर तुम्हारी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी है, मन बहुत साफ है, मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी बना रहे हो आप, तो आप वो सारी बेस्ट हिडन जितनी भी चीज़ें थी, पॉसिबिलिटीज़ थी, उन सबको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। बट इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग, इफ़ यू आर जस्ट यू नो गोइंग विद द फ्लो, जैसे लाइफ जा रही है वैसे, तो आपने जो डिज़ाइन करके रखा था ना खुद के लिए, वैसी वाली लाइफ होगी आपकी। तो इसमें ये हर इंसान के साथ सेम है, आई कैन नॉट गो एंड डिस्टर्ब एनीवन एल्सेस डिज़ाइन। उन्होंने अपने लाइफ के लिए क्या सोच रखा है, उनका कर्मा, उनकी लाइफ, मैं उसमें हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसीलिए मैं उस इंसान के लिए पूरी तरह तरीके से अलग लाइफ नहीं मैनिफेस्ट कर सकती, ऐसा मुझे लगता है। हम उस इंसान का हमारे लाइफ में जो रोल है उसके लिए हम मैनिफेस्ट कर सकते कि हमें वो इंसान अपने लाइफ में कैसा बिहेव करना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड एंड रिलेशनशिप वी वांट टू शेयर विद दैट पर्सन, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। बट ये एक मैसेज में और एक एग्जांपल दिया गया है कि मान लो देयर इज़ अ गाय, लाइक रियली क्रीपी, मतलब वो होता है ना साइकोपैथ जो आपका पीछा करते हैं, छेड़ते हैं रास्ते पे, वैसा वाला इंसान अगर मेरे पीछे पड़ जाए और वो चाहता है कि मैं उसके लाइफ में आ जाऊँ, और ना चाहते हुए भी मैं को उसके लाइफ में जाना पड़े बिकॉज वो मैनिफेस्ट कर रहा है, तो क्या ये सही बात होगी? कितनी गलत बात होगी, क्योंकि मुझे तो कोई और चाहिए होगा, राइट? एंड दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग होते हैं जिनको हम चाहिए, तो क्या हम सबके पास जा सकते हैं? नहीं। एंड वी ऑल्सो वॉन्ट, लाइक वी लाइक मैनी पीपल इन लाइफ, तो क्या वो सारे लोग हमारे लाइफ में आ सकते हैं? नो। सो दैट इज़ वाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम दूसरों की लाइफ, थैंक गॉड, कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक वो इंसान मुझे चाहिए, टपक चीन टपक डम डम वो इंसान आ गया, ऐसा नहीं होता। सो इट्स बेस्ट कि हम खुद पर फोकस करें। देखो, एक फ्लावर है, उस फ्लावर को अगर सुंदर खुशबू चाहिए, सुंदर रंग चाहिए, सुंदर बनना है, तो वो बाकी सारे फ्लावर्स के पास जाकर ये नहीं अट्रैक्ट करता ये चीज़ें,
कि मेरे को सुंदर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वो बस खुद ही ब्लूम करता है। यानी कि फ्लावर, फूल बस खिलता है, अपनी ही सुंदरता में रहता है, अपनी ही मस्त ताजगी में रहता है, खुशबू में रहता है, और उसको चाहने वाले अपने आप उस फूल के पास आ जाते हैं। ये बहुत ही लेम एग्जांपल था बाय द वे टू रिलेट सच अ बिग थिंग, कि हम लाइफ में बस खिले रहे, यू नो, बस ब्लूम होते रहे, अपने आप पे ध्यान दे, अपने आप से बेहद प्यार करे, अपने सराउंडिंग लोगों से प्यार करे, खुश रहे, ग्रैटिट्यूड में रहे, तो अपने आप बेस्ट चीज़ें आकर हमसे अट्रैक्ट होंगी। सो वी डोंट नीड टू चेंज अदर्स, वी डोंट नीड टू यू नो डू एनीथिंग। कई बार लोग किसी के मैसेज का वेट कर रहे होते हैं या किसी इंसान के वापस आने का वेट कर रहे होते हैं। सी, अगर उस इंसान के और आपके सोल डिज़ाइन, लाइफ डिज़ाइन में ये लिखा है कि वो पर्सन आना है तो वो आ जाएगा, बट आप उसको मैनिफेस्ट करने के चक्कर में जो अपनी एनर्जी को लो कर रहे हैं, अगर सैड होकर या हर्ट होकर, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। Because if universe sees that you're showing him a sad energy image, तो वो आपको, उन्हें लगेगा आप वही मांग रहे हैं, it will give you more of those things. तो इसीलिए just relax, stay happy, give blessings to everything and everyone in your life, so that आप और blessing वाली situations लोग attract करें अपने life में, and just be happy. So यही था आज का message. Thank you so much for listening. Have a wonderful day ahead. Bye-bye.